नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम इंस्टेंट भटूरे बनाएंगे। हमने छोले बनाए हुए हैं और अचानक याद आती है कि इनके साथ भटूरे बना लिए जाएं, तो हम फटाफट भटूरे भी बना लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमने 2 कप मैदा ले ली है प्याले में और ये 3 उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को हमने छील कर ले लिया है और ये आलू हम कद्दूकस करके एकदम बारीक करके मैदा में मिलाएंगे। तो आलू को हम एकदम बारीक करेंगे, तो हमने ये बारीक वाला कद्दूकस ले लिया है। हम इसको कद्दूकस करते हैं। ये आलू हमने कद्दूकस करके तैयार कर लिया। 1/4 कप हमने सूजी लिया है, ये हम इसी मैदा में डालेंगे। और 1/2 कप दही लिया है, ये भी डाल लेते हैं। 1/2 छोटी चम्मच नमक, 1/4 छोटी चम्मच से भी कम बेकिंग सोडा, 2 छोटे चम्मच तेल डालेंगे। मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। ये कद्दूकस किया हुआ आलू भी हम मैदा में मिलाएंगे और इन्हें अब हम हाथ से मिलाते हैं। हमें भटूरे के लिए सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करना है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे हम और एकदम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे, जैसा कि हम पराठे के लिए लगाते हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं और एकदम सख्त भी नहीं। ये आटा हमने लगा लिया है, सॉफ्ट आटा है। थोड़ा सा हाथ पर तेल लेकर हाथ को चिकना करेंगे और आटे को थोड़ा सा और मसल कर चिकना करेंगे। ये आटा हमने लगाकर तैयार कर लिया। आटे के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा देते हैं और आटे को 15-20 मिनट के लिए रख देते हैं। आटा हमारा फूल कर सेट हो जाएगा, इसके बाद हम भटूरे बनाएंगे। और इतना आटा लगाने में हमने 1/4 कप से थोड़ा से ज़्यादा पानी का यूज किया है। आटे को ढककर रख देते हैं। 20 मिनट हो गए हैं, हमारा आटा फूल कर तैयार हो गया है। हाथ पर थोड़ा सा तेल लेकर हाथ को चिकना करेंगे और आटे को थोड़ा सा और मसलेंगे। अब हम आटे से लोइयां तोड़कर तैयार करेंगे, तो थोड़ा सा सूखा आटा हम हाथ पर लगाएंगे और आटे से लोइयां तोड़ेंगे। भटूरे हम अपनी पसंद के अनुसार थोड़े छोटे या थोड़े से बड़े बना सकते हैं। ये हम लोइयों को गोल करके रख लेते हैं। ये लोइयां बनाकर हमने तैयार कर ली। अब हम भटूरे को बेलेंगे। बेलने के लिए हम भटूरे को तेल लगा करके भी बेल सकते हैं कि चकले और बेलन पर थोड़ा सा तेल लगा लें, इस तरीके से चिकना कर लें, थोड़ा सा चकले पर तेल लगा लें और एक लोई उठाएं और इस तरीके से पहले हाथ से इसको थोड़ा सा चपटा करें और इस तरीके से बेलें। तो बेलने के लिए अगर हम इसे ऐसे उठाते हैं तो ये थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। तो थोड़ा सा बढ़ाने के बाद हम भटूरे को चकले पर बेलें और बजाय भटूरे को उठाने के हम चकले को घुमा लें इस तरीके से। भटूरा हम गोल या ओवल जैसा भी चाहें बेल सकते हैं। ये भटूरे को हम ओवल शेप में बेल रहे हैं। इसे हम पराठे जैसा पतला बेलेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे लेकिन हल्का सा मोटा रखेंगे। तो ये भटूरा हमने बेल कर तैयार कर लिया। अब हमारा तेल ये गरम हो गया है या नहीं इसे चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा आटा तेल में तोड़कर डाल देते हैं। आटा तुरंत सिककर तैर कर आना चाहिए क्योंकि भटूरे तलने के लिए हमें अच्छा गरम तेल चाहिए। तो आटा हमारा सिककर तैर कर आ रहा है, तेल गरम है, भटूरे तलना शुरू करते हैं। भटूरे को तलने के लिए कढ़ाई में डालते हैं और कलछी से हम इसे हल्का सा दबाएंगे। भटूरा अच्छा फूल गया है, अब हम इसे पलट देंगे और भटूरे को दोनों ओर से हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। भटूरा दोनों ओर से अच्छा ब्राउन हो गया है, इसे निकाल लेते हैं। तो थोड़ा सा हम इस तरीके से कढ़ाई पर रोक लेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में चला जाए और भटूरे को निकाल कर प्लेट में रखते हैं। भटूरे को हम सूखी मैदा लपेट कर भी बेल सकते हैं। लोई बना ली हमने और इसे हम सूखी मैदा में लपेटें और बिल्कुल
उसी तरीके से बेलना है, लेकिन इसमें हमें चकले को नहीं घुमाना है, इसमें हम भटूरे को उठाकर घुमाकर चकले पर फिर से रखकर बेल सकते हैं, जैसे पराठा बेलते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। और जैसे ही हमारी ये जो भटूरा है चकले से चिपकने लग जाए तो थोड़ी सी मैदा इस तरीके से डालकर इसके ऊपर लगा लें और बेलें। तो जैसे भी आपको आसान लगे उस तरीके से भटूरा बेलकर तैयार करें। भटूरे को तलने के लिए डालते हैं और बिल्कुल उसी तरीके से हल्का सा कलछी से दबाएंगे और इसे फूलने देंगे। अगर तेल ज़्यादा गर्म लगे तो गैस कम कर सकते हैं और हमें इसी तरीके से सारे भटूरे बनाकर तैयार करने हैं। ये भटूरे हमने बनाकर तैयार कर लिए और इतने आटे में 8 भटूरे बनकर तैयार हो जाएंगे। इंस्टेंट भटूरे बनकर तैयार हैं, बहुत ही अच्छे भटूरे बने हैं और इन्हें बनाना भी बहुत आसान है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, आलू को बारीक कद्दूकस से कद्दूकस करना है ताकि वो आटे में अच्छी तरीके से गूंथ सके। आटा लगाते समय पानी थोड़ा थोड़ा डालें, आटे को पतला ना करें, हल्का सा सख्त रखें, क्योंकि आलू का मॉइस्चर आटे में जाता है और आटा बाद में सॉफ्ट हो जाता है। आलू को हमने आटे में भटूरे को सॉफ्ट करने के लिए और पफी बनाने के लिए डाला है। दही और बेकिंग सोडा भी भटूरे को सॉफ्ट बनाते हैं। सूजी भटूरे में हमने डाली है ताकि वो थोड़ी देर तक फूले रहें। बहुत अच्छे भटूरे बनकर तैयार होंगे। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।